नमस्ते गुरुजी, मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की क्योंकि जनरली क्या होता है आ, हम कोई भी चीज़ को डिसाइड करते हैं हम बोलते हैं यार आज मोटिवेशन है हमारे पास हम करेंगे जैसे आपने कुछ देर पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिए कुछ टाइम के लिए लगता है कि नहीं अभी से स्टार्ट कर दूँगा लेकिन ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से निकलेंगे कई लोग इन्फ्लुएंस करेंगे ऐसा है कि चलो ना भी सुने उनकी बात घर पहुंचते हैं स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन आफ्टर अ अवाइल जो इंटेंसिटी है जो हमारा दिमाग है सोचते हैं कि नहीं भाई जो हमने सुना था वो सही है हमको पता भी है वो सही है लेकिन दूसरी चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाती जब को हमको पता है कि नहीं जो चीज़ आपने बताई है वो सही है तो उसकी इंटेंसिटी हमारे साथ क्यों नहीं रहती लंबे समय समय के लिए ना कि उन चीज़ों की इंटेंसिटी ज़्यादा देर तक टिकी रहती है जो हमारे लिए बेहतर नहीं है तो सही चीज़ों की इंटेंसिटी हम अपने अंदर कैसे पैदा करें ताकि हम अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मतलब हटा सकें देखो धुआँ बहुत तेज़ी से फैलता है सुगंध धीरे धीरे बहती है अच्छी चीज़ें फैलानी पड़ती है बुरी चीज़ें अपने आप फैल जाती है हमारे जन्मजात संस्कार ऐसे हैं कि उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है अच्छी बातों के प्रति हमारा झुकाव जल्दी कम हो जाता है तो उस झुकाव को बनाए रखने के लिए हमें अच्छी प्रेरणा निरंतर लेते रहना चाहिए समय समय पर लेते रहना चाहिए और एक बात और समझने की एक व्यक्ति गलत को अच्छा मान कर, कर कर रहा है और एक व्यक्ति गलत को गलत मान कर के कर रहा है जो व्यक्ति गलत को गलत मान कर के कर रहा है समझ लेना उसमें सुधार की संभावना है क्योंकि वो गलत को गलत मान रहा है और अपने निरंतरता बनाए रखने से उसमें नियंत्रण आएगा